तो ही गाइस, आप लोग का बहुत ही उनका सवाल था कि SBI का डेबिट कार्ड का मैसेज किस प्रकार का आता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस तरह का मैसेज आता है जब आप अकाउंट ओपन करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी कीजिए। ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने से 3 दिन में आपका इस तरह का मैसेज चला आता है। अगर आप ऑफलाइन अकाउंट किए तो आपका 1 दिन में, जिस दिन आप अकाउंट किए ब्रांच से, उसी दिन आपको मैसेज आ जाता है कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो गया। आपका अकाउंट नंबर भी मिल जाता है, वहीं पर आपको पासबुक भी दे दिया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर शो करता है वीडियो के बाईसी के बाद, और ATM कार्ड का मैसेज 3 से हाईएस्ट 3 दिन लगते हैं ATM कार्ड को मैसेज को डिस्प्ले, यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन पे आने में 3 दिन का समय लगता है। जब आप अकाउंट ओपन कर दिया जाता है तो उसके बाद 3 दिन में आपका डेबिट कार्ड को प्रिंट करके आपका ATM कार्ड का नंबर जो है जारी हो जाता है। वो आप अकाउंट जैसे खोलते हैं वैसे आपको एक प्रीपेड कार्ड मिल जाता है, लेकिन आपको जिस तरह का हार्ड कैश ATM कार्ड चाहिए तो उसका जो है नंबर के फैक्ट्री में जो है ATM का फैक्ट्री जहाँ होता है उसे सेंड कर दिया जाता है। वो आपके कार्ड को जो है चिप के जरिए आपके अकाउंट के डाटा को ट्रांसफ़र करके उसे आपको इंडियन पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाता है, जो कि आप इस तरह स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह का मैसेज आता है कि योर SBI डेबिट कार्ड एंडिंग विथ, यानी कि आपके 4 अंकों का नंबर दिखा जाएगा लास्ट का, 5792, ये जो है लास्ट के 4 अंक होते हैं 16 डिजिट के, डिस्प्लेस ऑन इतना, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये एक मतलब SBI का ट्रैकिंग नंबर होता है, स्पीड पोस्ट नंबर, यानी कि इंडियन स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है, जो कि आपको एक ट्रैकिंग EB5131701301N, ये जो है एक स्पीड पोस्ट नंबर है, यानी कि आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं इसका दे देता हूँ, और प्लीज़ फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑन वेलकम लेटर टू जनरेट योर पिन। अब पिन जो है ATM पर ही बनाना पड़ता है, इसका पिन आपको साथ में नहीं मिलेगा। जिस तरह सेंट्रल बैंक का मिलता है उस तरह जो है SBI का डेबिट कार्ड का पिन नहीं मिलता है। तो चलिए आइए स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए कि किस तरह इसे ट्रैक करेंगे। तो दोस्तों सिंपली आपको इस तरह इंडियन पोस्ट ट्रैकिंग पे लिख के आपको गूगल पे या कोई भी ब्राउजर यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी यूज़ करते हैं उस पे लिख देना, और फर्स्ट वेबसाइट खोलना है। ये जो पहला वेबसाइट आएगा इसमें आपको जो आपको ट्रैकिंग नंबर मिला SBI की तरफ से, यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जो है EB51, ये एक ट्रैकिंग नंबर होता है, इसे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। ये आपको नंबर को नोट कर लेना है कहीं कॉपी या आप स्क्रीन फ्लैश करके देख सकते हैं। तो इसे कॉपी कर इंडियन पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आके इस नंबर को टाइप कर दें। यहाँ देख सकते हैं आप 3-4 नंबर मेरे में है, लेकिन ये सब एक्सपायर हो जाए, यानी कि डिलीवर हो चुका है और इसका बहुत ज़्यादा दिन हो चुका है, इसलिए ये ट्रैक नहीं होगा। तभी भी मैं एक दिखा रहा हूँ इस तरह का कैप्चा कोड को फिलअप करना है। ये कैप्चा कोड जो है एक्सेप्ट नहीं होता है, इसी तरह आपको रिफ्रेश कर देना है। जैसे आप रिफ्रेश करें इस तरह का, जब रिफ्रेश होकर इस तरह का कोड आएगा तो इस तरह का कोड को आपको लिखना है, क्योंकि वो कोड जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, आपका एरर हो जाएगा। इसीलिए पहले ये देखिए कम्युनिकेशन डिटेल नॉट फाउंड, इसका जो है अगर 90 दिनों से अधिक हो जाता है तो ये जो है नहीं ट्रैक हो पाता है। तो इसीलिए अगर आप लोग का करंट है तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो और एक जो प्रॉब्लम होता है कि आपका 734425 मान लीजिए पिन कोड है, यहाँ आपको पोस्ट यानी कि डिलीवर होना रहता है आपका जो ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, और ये गलती से जो दूसरे पिन कोड में अगर अटक गया तो क्या करें। तो सिंपली आपको ट्रैकिंग नंबर लेके इंडियन पोस्ट ऑफिस में विजिट करना है। वहाँ जो है आपको ट्रैकिंग नंबर पूछा जाएगा और अपना ट्रैकिंग नंबर आप बता दीजिएगा, आपका ATM कार्ड वहाँ से रिलीज करके आपके पिन कोड पर सही एड्रेस पर पोस्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगे। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।